हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज प्रिया भार्गव. टुडे वी आर गोइंग टू डू यूनिट 4, द नरेटिव अप्रोच टू असेसमेंट एंड काउंसलिंग. दिस यूनिट 4 इज फ्रॉम ब्लॉक 2, ग्रुप बी, एमपीसीई 022, असेसमेंट इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस. जैसा कि आपको पता होगा, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल और वो बहुत टाइम से अगर वीडियोज वॉच कर रहे हैं, कि मैं हर एक यूनिट के कुछ सब सेक्शंस बनाती हूँ और उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 डाल के मैं मेंशन कर रही हूँ. तो आप जब इसका नेम पढ़ते हैं वीडियो का, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन से ब्लॉक से है, कौन सी यूनिट से है और कौन सा पार्ट आप देख रहे हैं. बाकी ऊपर मैं हेडिंग तो डाली देती हूँ हर एक सब सेक्शन की, तो आई होप आपको आसानी से मिल जाते हैं सारे वीडियोस. ये जो यूनिट है, ये हम 4 वीडियोस में कवर करने वाले हैं एज पर द टाइम अवेलेबल टू मी. सो फर्स्ट टुडे वी आर गोइंग टू डू ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक कॉन्सेप्ट. इतना पोर्शन आज हम कवर करने वाले हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दिस चैप्टर. लेट स्टार्ट. नरेटिव अप्रोच, जैसा कि इसका नाम है इस थेरेपी का, नरेटिव थेरेपी जो होती है, ये एक तरह की साइकोथेरेपी है जो हमेशा स्टोरी और लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इसमें हमारी स्टोरी टेलिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, हमारी लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं भी है तो भी हम अपनी भाषा में अपने तरीके से अपनी स्टोरी तो बता ही सकते हैं. और ऐसा होने से क्या होता है, जब हम अपने बारे में किसी को बताते हैं, अपने लाइफ की स्टोरी के बारे में किसी को बताते हैं, तो हमारी इंटरपर्सनल प्रॉब्लम और इंट्रापर्सनल प्रॉब्लम एक्सप्रेस करने में हमें बहुत हेल्प मिलती है. हम पता लगा पाते हैं कि हमारे दो लोगों के बीच में कैसी प्रॉब्लम्स हैं, या हमारे इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच में या लोगों के बीच में. इंट्रापर्सनल का मतलब होता है एक ही इंसान के अंदर होने वाली प्रॉब्लम. तो ये दोनों को हम एक्सप्रेस कर पाते हैं लैंग्वेज की हेल्प से और स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में. कभी कभी सीधे बात करना बहुत खतरनाक होता है रिलेशनशिप्स में. हम किसी से सीधे सीधे बोलते तो बहुत बुरा लग जाता है, और उसी को ही हम अगर एक कहानी के तौर पर बोलें तो हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं, एक थर्ड पर्सन का एग्जांपल देके. सो लाइफ इज ऑल अबाउट हैंडलिंग हाउ यू डील विद योर प्रॉब्लम्स. तो ये जो टर्म है नरेटिव, नरेटिव का मतलब होता है सुनना या बताना. तो सुनना मतलब हम किसी की स्टोरी सुन रहे हैं, और टेलिंग और रीटेलिंग मतलब अपनी स्टोरी या किसी और की स्टोरी को बोल रहे हैं, तो वो नरेटिव होता है. तो या तो हम लोगों की बोलते हैं या अपनी बोलते हैं, और अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स को भी बताते हैं. अब इसका पायोनियर कौन थे इस अप्रोच के, किन्होंने स्टार्ट की थी ये अप्रोच, ये है मिशेल वाइट एंड डेविड एप्सन. तो इन्होंने ये थेरेपी स्टार्ट की थी. बहुत नई थेरेपी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1990s की बात कर रहे हैं जब ये टेक्निक यूज़ की गई थी. तो ये जो अप्रोच है, ये बिलीव करती है कि लोग अपनी लाइफ इन स्टोरीज से ही इंटरप्रेट करते हैं, और जब ये कुछ स्टोरीज सुनते हैं अपनी लाइफ में, तो उसी से मतलब निकाल के अपनी ज़िंदगी का सच बना लेते हैं उस चीज़ को. तो डेविड एप्सन जो है, उन्होंने बताया, उन्होंने देखा कि जो स्टोरीज हैं वो दोनों तरीके की होती हैं. एक तो डिस्क्राइबिंग तो होती है वो स्टोरी, साथ में वो शेप भी करती हैं इंसान के पर्सपेक्टिव को उसकी लाइफ के. तो आपने कोई सपोज बचपन में कोई मूवी देखी, वो भी स्टोरी होती है, तो उस स्टोरी से अगर उस स्टोरी ने आपके ऊपर इम्पैक्ट डाला है, तो कहीं ना कहीं उस स्टोरी से रिलेटेड चीज़ें आप अपनी लाइफ में ढूंढना शुरू कर देंगे या आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, और आप अपनी हिस्ट्री, अपने फ्यूचर, उन सबको भी उसी से रिलेट करने लगते हैं. तो ये जो स्टोरीज हैं, ये इंस्पायरिंग भी हो सकती हैं एंड ऑप्रेसिव भी, ऑप्रेसिव मतलब दबाने वाली भी हो सकती हैं. हो सकता है आप कोई बचपन में ऐसी कोई स्टोरी सुना हो जिसने इतना इंस्पायर किया हो, तो आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो गए हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इतनी दबा देने वाली थी कि आप हमेशा ज़िंदगी भर डर डर के जी रहे हो. तो ये जो स्टोरीज हैं, इनका बहुत इम्पैक्ट होता है. तो काउंसिलर का रोल होता है उन स्टोरीज को रिकन्स्ट्रक्ट करना, दोबारा बनाना. कमिंग टू बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें रेड मार्क दिख रहा है आपको, यानी कि ये एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे. इसमें भी बहुत डिटेल में बहुत कुछ दिया हुआ है, आप सिर्फ एक पन्ना मत समझिए, बट इसको एक एक लाइन आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी. जैसे इसमें बताया है कि जो लोग जब खुद एक्सपीरियंस करते हैं खुद के बारे में, और या फिर उनकी सिचुएशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं
अपने जब भी ये दोनों चीज़ें करते हैं, अपनी सिचुएशन को कंस्ट्रक्ट करना या अपने एक्सपीरियंस के बारे में बोलना, तो वो सारी चीज़ें उनके कल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, किस सोसाइटी में वो रहते हैं, उनका इंटरेक्शन कैसा है, उससे उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसको हम बोलते हैं सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म, कि उन सोसाइटी ने उनकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डाला है, इस वजह से वो अपनी लाइफ को वैसा देखने लगे हैं। जो नरेटिव अप्रोच होती है वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, सोशल कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शनिज्म। सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म प्रिंसिपल है इस नरेटिव अप्रोच का, ये आप लिख सकते हैं एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग हैं वो अपनी लाइफ का मीनिंग स्टोरीज से निकालते हैं, इंटरप्रेट करते हैं जो भी वो स्टोरी सुनते हैं, और वही उनकी लाइफ का सच्चाई हो जाती है। जैसे मैंने पहले बताया है, धीरे धीरे वो इंसान अपन वो मैसेजेस अपने अंदर डालना शुरू कर देता है उस स्टोरी से, अपने कल्चर से, अपने सराउंडिंग से, और ये चीज़ें उनके पूरी लाइफ में, पूरे प्रोसेस पे बहुत असर डालती है। उनका जो एजम्पशन होता है इस अप्रोच में वो ये है कि जो क्लाइंट की लाइफ होती है वो इन्हीं अंदर जो उसने स्टोरी बना के रखी हुई है उसी से ही बेस्ड होती है, उसी पे ही चलती है हमेशा। तो ज़्यादातर नरेटिव अप्रोच जो होती है वो उसमें हम पोएट्री राइटिंग पे ज़्यादा जोर देते हैं, बिब्लियोथेरेपी और स्टोरी टेलिंग, इन चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं जब इस थेरेपी के बारे में काम करते हैं। इसका जो फोकस होता है इस अप्रोच का वो क्लाइंट नरेशन पे होता है, क्लाइंट कैसे स्टोरी नरेट कर रहा है, कैसे हमें सुना रहा है। और जब वो क्लाइंट अपनी स्टोरी बता रहा होता है खुद से, तो उसकी स्टोरी को हमें सुनना है और ये भी सुनना है कि दूसरे उसकी स्टोरी के उसके बारे में क्या बोलते हैं। तो उसकी वो अलग स्टोरी हुई जो लोगों ने उसके लिए बनाई है, और जो वो खुद के लिए बना रहा है वो अलग स्टोरी हो गई, तो वो सारी हमें सुननी होगी। तो मेन थीम इस अप्रोच का ये होता है कि जब क्लाइंट थेरेपी के लिए आता है तो थेरेपिस्ट को उसकी स्टोरी सुननी है और उसके उसकी सफरिंग सुननी है, उसकी स्टोरी में क्या सफरिंग है, उसने अपनी स्टोरी में क्या सफरिंग को ही सेंटर बना के रखा हुआ है। तो क्लाइंट जब थेरेप्यूटिक प्रोसेस में एंटर होता है तो उसके अंदर, उसके दिमाग के अनकॉन्शियस माइंड में जो स्क्रिप्ट बनी हुई है, मतलब एक स्टोरी जो दबी हुई है, वो बाहर निकालना वो शुरू करता है। तो क्लाइंट जो होता है वो इतना यूज्ड टू हो गया होता है इस चीज के कि वो भूल ही जाता है कि इस स्टोरी के अलावा दूसरी स्टोरी भी उसकी जिंदगी की हो सकती है। और ह्यूमन नेचर जो होता है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है सोशल कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे भी हम रहते हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हम उससे इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हमें लगता है कि यही हमारी लाइफ की सच्चाई है, हम और कोई आस्पेक्ट देखना ही नहीं चाहते। नाउ इसी में बेसिक कंसेप्ट में उसका सबसेक्शन है लिसनिंग टू द स्टोरीज। थेरेपिस्ट का क्या काम है, थेरेपिस्ट क्या करता है, थेरेपिस्ट जो है वो स्टोरीज जो नरेट कर रहा होता है क्लाइंट उसको वो सुन रहा होता है। जो नरेटिव अप्रोच की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हमने पढ़ा था लिसनिंग टू एंड टेलिंग और रीटेलिंग वो चीज़, तो जो स्टोरीज हैं जब वो बिना इंटरप्शन के हम सुनेंगे और उसको कन्फ्रंट भी नहीं करेंगे, थेरेपिस्ट का काम है ना कन्फ्रंट करना, कन्फ्रंट मतलब बीच में रोक के कुछ क्वेश्चनिंग करना, वो नहीं करना हमें, हमें ना ही उसको रोकना है बीच में, हमें सिर्फ उसकी स्टोरी सुनना है। और अप्रोच क्या फोकस करेगी कि उसकी कैपेसिटी क्या है उस इंसान की, वो कितना क्रिएटिव है, कितना इमेजिनेटिव है, और जो प्राइमरी सोर्स होगा क्लाइंट के इन्फॉर्मेशन का वो क्या है, कहाँ से उसने ये स्टोरी बनाई है खुद के बारे में, किस चीज़ ने इन्फ्लुएंस कर दिया कि वो अपनी लाइफ को इस तरह से सोचने लगा है। तो थेरेपिस्ट सिर्फ सुनेगा, कुछ एज्यूम नहीं करेगा क्लाइंट के बारे में, क्योंकि अगर एज्यूम करने लगेगा थेरेपिस्ट क्लाइंट के बारे में तो फिर वो कुछ और ही इंटरप्रेट करेगा। इसीलिए सिर्फ हमें सुनना है, और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक जो पर्सन है उसकी खुद की अपनी स्टोरी होती है, चाहे वो सच्ची है चाहे झूठी है, उसने अपनी लाइफ के लिए तो बना ली। तो जो जब वो स्टोरी शेयरिंग होती है तो पर्सन किस तरह से अपनी स्टोरी बता रहा है वो उस इंसान का पर्सपेक्टिव बदलती है, उस जो स्टोरीज उसने बताई है वो उस पर कितना इम्पैक्ट कर रही है वो भी हमें दिखाई देने लगता है। तो जब इसमें हम रीस्टैब्लिशमेंट या रिकंस्ट्रक्शन करते हैं उसकी स्टोरी का, ये हमारा गोल होता है। जो थेरेपिस्ट है उसका गोल यही है कि उसकी जो स्टोरी है उसको रीस्टैब्लिश करना और रिकंस्ट्रक्ट करना। तो जो स्टोरीज हैं जब वो रिकंस्ट्रक्ट की जाती हैं तो थेरेपिस्ट एक्सप्लोर भी करता है क्लाइंट के साथ कि और डोमिनेंट स्टोरी के अलावा उसके क्लाइंट के सिस्टम में और कौन कौन से डोमिनेंट स्टोरी है जो उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया, उसने सिर्फ एक थीम पकड़ी और उसके बेसिस पे जो भी इवेंट आया उसको अपना बनाता गया, लेकिन जो दूसरा डोमिनेंट इवेंट था उसको वो भूल ही गया, उसने ध्यान ही नहीं दिया।
तो ये जो क्लाइंट और थेरापिस्ट होते हैं ये दोनों ही एक साथ फोकस करेंगे पूरी स्टोरी पे, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उसकी स्टोरी में, उस पे डोमिनेंट स्टोरीज को हम कलेक्ट करेंगे, नोट डाउन करेंगे, तो एक हमें बहुत सारा कलेक्शन मिल जाएगा डोमिनेंट इवेंट्स का, पॉजिटिव नेगेटिव सब। तो जो नरेटिव थेरेपी है वो इन्वॉल्व करती है कि उस इंसान के साथ काम करना, उसकी जहाँ वो फंसा हुआ है, जिस प्रॉब्लम में वो फंसा हुआ है उसके साथ मिलके उन सैचुरेटेड स्टोरीज को सेपरेट करना। अब ये सैचुरेटेड स्टोरी का क्या मतलब है ये भी मैं आगे बताऊंगी। सैचुरेटेड स्टोरी का मतलब होता है जो उसने स्टोरीज अपने लाइफ के लिए चूज करी हैं वो सैचुरेटेड स्टोरीज है, जो वो स्टोरीज जो ये खुद को खुद से कहता है अपने बारे में क्लाइंट, तो या सोसाइटी ने उसे जो कही है, या वो खुद के बारे में जो सोच रहा है, या फिर उसकी ज़िंदगी में जो सिग्निफिकेंट चीज़ें हुई हैं वो। तो ये जो स्टोरीज है ये डिसेबलिंग स्टोरीज हैं, क्योंकि उसको प्रॉब्लम आ रही है अपनी लाइफ में। अगर उसकी प्रॉब्लम नहीं होती तो थेरापिस्ट के पास आता ही नहीं। तो यानी उसकी लाइफ में जो उसने स्टोरीज को इम्पोर्टेंस दिया या इवेंट्स को इम्पोर्टेंस दिए हैं वो डिसेबलिंग है, वो उसको डिसेबल बना रही हैं, वो अपनी लाइफ में एबल नहीं दिख रहा, तो दैट इज़ वाई हम इसको डिसेबलिंग कहते हैं। तो उसने अपनी लाइफ में कंट्रोल छोड़ दिया है, अपनी स्टोरीज पे उसका खुद का कंट्रोल नहीं रह गया और वो चेंज नहीं कर पा रहा इसका मीनिंग। तो जो नरेटिव अप्रोच है इसमें हम डायग्नोसिस कुछ नहीं करेंगे लेकिन हम असेसमेंट ज़रूर करेंगे उसका। और ये जो अप्रोच है ये ज़्यादा एम्फेसिस देती है कि हम क्लाइंट के लाइफ एक्सपीरियंसेस को कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं। हम प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, हम इंटरप्रेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसकी स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे और असेसमेंट करेंगे उसका, और कोई टेक्निकल टर्म से हम उसको लेबल नहीं करेंगे। नाउ कमिंग टू की बेनिफिट्स, इसमें की बिलीव्स क्या हैं। अगेन इसमें रेड मार्क आप देख सकते हैं, ये भी एग्जाम में आ चुका है, की बिलीव्स ऑफ नरेटिव अप्रोच, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन टू वन मैं बताऊंगी, वन बाय वन, ये 11 पॉइंट्स हैं जो हमें वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो नरेटिव थेरेपी का, वो क्या क्या है। नंबर वन, जो क्लाइंट है वो खुद एक्सपर्ट है, जो अपनी लाइफ को हैंडल कर सकता है और प्रॉब्लम्स को भी हैंडल कर सकता है। दूसरा इसका की बिलीफ ये है कि जो थेरेपी में प्रॉब्लम को सेपरेट करके देखते हैं एज अ पर्सन, मतलब हम ये नहीं सोचते कि अरे ये बंदा आया ये प्रॉब्लम के साथ आया, हम ये देखेंगे कि इसकी प्रॉब्लम अलग है और ये इंसान अलग है, इस इंसान में और भी बेहतर चीज़ें हैं। थर्ड है, ये एज्यूम करती है कि जो इंडिविजुअल हैं उसके अंदर कुछ स्किल्स हैं, एक्सपीरियंसेस भी हैं, उसका माइंडसेट भी है, जो हेल्प करेगा उसकी खुद की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने में जो उसकी पूरी जिंदगी भर में आने वाली हैं या हैं। फोर्थ पॉइंट है, जो थेरेप्यूटिक अप्रोच है वो जो अप्रोच है वो इंडिविजुअल को एज अ प्रोटैगोनिस्ट भी देखती है और ऑथर रोल में भी देखती है। प्रोटैगोनिस्ट मतलब कि जो जी रहा है उस चीज़ को, और ऑथर रोल में जो बोल रहा है, तो ये दोनों चीज़ों में देखती है। ये जो ये स्विच करती है अपना व्यू नैरो पर्सपेक्टिव से सिस्टेमिक एंड मोर फ्लैक्सीबल स्टैंड पे, यानी कि हम सिर्फ ये नहीं देखते कि उसने जो बताया भाई उसी लाइन पे हमें सोचना है, हम उसको वाइड व्यू में देखते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या ये इंसान पॉजिटिव भी है, अपनी लाइफ में कब कब पॉजिटिव रहा, ये चीज़ें भी हम ढूंढते हैं। तो ये हम फ्लैक्सिबिलिटी रखते हैं, उसकी क्रिएटिविटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, सो दैट पर्सन कैन मोल्ड हिज और हर लाइफ। जो एम होता है थेरेपी का वो हेल्प करता है क्लाइंट को रियलाइज करने में कि जो फोर्सेज हैं जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसकी लाइफ में, तो उसको फोकस करना है पॉजिटिव एस्पेक्ट के लाइफ में रादर देन उन फोर्सेस पे जो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सेवेंथ पॉइंट है, नरेटिव अप्रोच जो अपनी है ये वाली, वो बिलीव करती है कि जो प्रॉब्लम्स है वो मैन्युफैक्चर की गई हैं। किसने मैन्युफैक्चर की है, किसने बनाई है ये प्रॉब्लम्स, सोसाइटी ने, कल्चर ने, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है उसका, तो कोई भी कॉन्टेक्स्ट में प्रॉब्लम्स मैन्युफैक्चर की गई हैं, बनाई गई हैं, प्रॉब्लम्स है नहीं, प्रॉब्लम्स ढूंढी गई हैं। तो हर एक जो पर्सन होता है, फोर्थ एट्थ पॉइंट बता रहे हैं, एट्थ पॉइंट में बता रहे हैं, हर एक जो पर्सन होता है वो अपनी लाइफ का मीनिंग निकालता है, बनाता है खुद, और किससे बनाता है, जो भी स्टोरीज उसको अवेलेबल हैं उस कॉन्टेक्स्ट में उससे।
लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल, कोई एक्सीडेंट किसी का हुआ है और उसने एक्सीडेंट की जितनी भी मूवीज अभी तक देखी होंगी, कोई भी स्टोरी सुनी होगी, वो उसी के अराउंड अपने माइंड को रोटेट कर सकता है या समझ सकता है, अपने माइंड को दौड़ा सकता है, क्योंकि वो वही जानता है, उतना ही जानता है एक्सीडेंट के बारे में, उसका अदर आस्पेक्ट देख ही नहीं सकता। तो हम उसी कॉन्टेक्स्ट में जो स्टोरीज हमने सुनी हैं या अवेलेबल हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में हम अपना लाइफ का मीनिंग ढूंढते हैं। नाइन्थ है, स्टोरीज जो हैं वो नरेटिव कॉन्टेक्स्ट में होती है हमेशा, और वो किससे बनी होती है, इवेंट से बनी होती है या उसमें कोई थीम होती है और जो हर बारी आती है और उसी के बेसिस पे फिर वो पूरी स्टोरी प्लॉट की जाती है। तो आप अगर देखेंगे किसी की भी लाइफ स्टोरी सुने तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ हमें ढूंढनी होगी जिसके बेसिस पे वो पूरी स्टोरी आधारित है, और वो ही इवेंट वो बताएगा इंसान जिस के बेसिस पे वो आधारित है। 10th पॉइंट है, जो स्टोरी है वो इमर्ज होती है कुछ इवेंट्स के साथ और वो ही उसी को ही सिलेक्ट, वो जितने भी उससे रिलेटेड इवेंट्स होते हैं उसी को ही वो फिर सिलेक्ट करता है हर बार बताने के लिए अपनी स्टोरी। 11th पॉइंट है, जो स्टोरी जब एक कोई शेप लेने लगती है तो ये जो टेलर है वो उसी के जैसी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसके उल्टी जो इन्फॉर्मेशन है उसको इग्नोर करने लगता है। सो ये हैं की बिलीफ्स जो इस नरेटिव अप्रोच में हम देखेंगे। डेविड एब्सन जो है इन्होंने बताया है कि ये पर्सन की लाइफ जो होती है, उसके जो पर्सपेक्टिव है लाइफ के, वो इसी पे ही बेस्ड होते हैं, स्टोरीज पे। जो स्टोरीज होती हैं उनमें खुद में कोई जो पर्सन है उस वो उस प्रॉब्लम को डोमिनेट, वो प्रॉब्लम बड़ी डोमिनेटिंग होती है और प्रॉब्लम को वो बहुत डोमिनेटिंग मानने लगता है एक्चुअली, और फिर वो या तो उस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करता है या फिर प्रॉब्लम में घुस जाता है बिल्कुल। तो जब भी कोई पर्सन है जो स्टोरी बता रहा है अपनी और वो उस स्टोरी में हमेशा प्रॉब्लम्स को ही ज़्यादा जोर दे के बोल रहा है, इसका मतलब है वो प्रॉब्लम सैचुरेटेड स्टोरी है उसकी। नाउ और भी चीज़ें इसमें इन्होंने दी हुई है, जैसे कि काउंसलर और थेरापिस्ट का बताया हुआ है। जो काउंसलर और थेरापिस्ट हैं इन दोनों को कोलैबोरेट होके काम करना होगा और ये सैचुरेटेड एंड ऑप्रेसिव स्टोरीज जो होती हैं, ये प्रॉब्लम सैचुरेटेड और ऑप्रेसिव स्टोरीज जो होती हैं उन्हीं से ही थोड़ी दूरी पे ये काम कर रहे होते हैं। हमें थोड़ा हट के सोचना है मतलब कि प्रॉब्लम से, और ये जो क्लाइंट एंड काउंसलर हैं ये दोनों मिलके अनटोल्ड स्टोरी ढूंढते हैं उस इंसान की लाइफ में, जिसमें होप्स हैं, जिसमें कमिटमेंट है, ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वैल्यूज़ हैं वो। तो काउंसलर जब सुनता है स्टोरी इंसान की लाइफ की, उसके कल्चर और रिलीजन के बारे में जानता है, उसकी नॉलेज के क्लूज जो होते हैं वो देखता है, उसकी नॉलेज के बारे में हमें क्लूज मिलते हैं, उसकी स्किल्स के जब बारे में हमें पता चलता है तो हम उसको बताते हैं कि आप इसके ऊपर भी ध्यान दो और इसके बारे में भी अपने अपनी लाइफ में कुछ डालो। तो इस तरह से ये काम करती है। जो होपफुल चीज़ें हैं उस पर हम ध्यान देते हैं और अनरिकॉग्नाइज्ड या हिडन पॉसिबिलिटीज हैं उस पर हम ध्यान देते हैं, अनसीन स्टोरी लाइन्स हम ढूंढते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उसको हम बोलते हैं री ऑथरिंग पर्सन्स लाइफ और स्टोरीज। तो हम दोबारा एक नए तरीके से स्टोरी उसकी नरेट करते हैं। जो वर्ड है नरेटिव, वो तो आपको पता ही है कि नरेटिव का मतलब होता है स्टोरी सुनना या स्टोरी बोलना, और फिर टेलिंग और रीटेलिंग सब आता है इसमें, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। लास्ट छोटा सा टॉपिक आज के वीडियो का, जो फंडामेंटल्स ऑफ नरेटिव थेरेपी बता रहा है, फंडामेंटल क्या है इसका, नरेटिव थेरेपी का क्या फंडामेंटल है, बेस क्या है इसका। तो इसमें इन्होंने बताया है कि बहुत सारे जो इवेंट हमारी जिंदगी के होते हैं वो पर्टिकुलर चीज़ों पे फोकस करते हैं और कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। और जब हम अपनी लाइफ को एनालाइज करते हैं, जो जब भी हम एनालाइज करेंगे तो ये हेल्प करेगा हमें अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन कौन से डिफरेंट फोर्सेस हैं एंड रोल्स हैं जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। हमने क्या चीज़ चूज़ कर ली और क्या रिजेक्ट कर दी, जो हमने चूज़ किया उसकी वजह से हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारे बिहेवियर पे भी फर्क पड़ेगा। अगेन अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो वो नेसेसरी है
लाइफ में, अगर हमें लाइफ में चेंजेस लाना है तो हमें फ्लैक्सिबल होना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा और क्या क्या तरीके से हम अपनी लाइफ को परसीव कर सकते हैं। जो इमोशनल कॉग्निटिव और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव होता है पर्सन का, वो कंबाइन होता है किस किस के, जितने भी हमारी लाइफ के इवेंट हैं उससे। जो हमारी लाइफ में ये तीनों चीज़ें जो हो रही होती हैं, इमोशनल कॉग्निटिव और स्पिरिचुअल चीज़ें, ये हमारी इवेंट, जो भी हमारी लाइफ में इवेंट हो रहा है उसमें ये तीनों चीज़ें होती हैं, और यही पर्सपेक्टिव एक इंसान का बन जाता है इवेंट के थ्रू। तो बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक या दो तरीके से हम उसको देख सकते हैं, परसीव कर सकते हैं उस इवेंट को, हमारे लाइफ के इंस्टेंसेस को। अब हम किस तरीके से उसको परसीव कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, सिनेरियोज कैसे हैं, इंडिविजुअल की पर्सनालिटी कैसी है, लोगों का माहौल कैसा है, कल्चर कैसा है, सोसाइटी कैसी है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके हमारा पर्सपेक्टिव बना लेती है हमारी लाइफ का, हमारी लाइफ की थीम बना देती है। तो जो पर्सन पीपल हैं वो डिफर करते हैं अपने परसेप्शंस पे, डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट पे, और वो कैसे उस सेटिंग में रिएक्ट करेंगे उस पे, उनका कैरेक्टर क्या है और वो किस तरह का थीम और प्लॉट अपने दिमाग में बसा के बैठे हैं, वो सारी चीज़ें फैक्टर हैं इस पे, जिस वजह से हमारी लाइफ ऐसी है। तो ये जो नरेटिव थेरेपी है, आई फील ये बहुत इंटरेस्टिंग थेरेपी है और हम अपनी लाइफ को बहुत आसानी से बदल सकते हैं अगर हम अपनी लाइफ का पर्सपेक्टिव, अगर आपने स्टोरी ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, तो उसमें भी यही है कि हम जब डायरी में कुछ लिखते हैं अपनी विश, जो आपको बनना चाहते हैं, आप प्रेजेंट के फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि यू आर क्रिएटिंग योर स्टोरी। आप अब अपनी लाइफ में वो इवेंट्स ढूंढेंगे जो आपको उस तक पहुँचा देगी। तो ये भी नरेटिव भी उसी के ऊपर बात करता है। सो अगर आप देखें तो दोनों बहुत चीज़ें मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज फर्स्ट पार्ट ऑफ यूनिट 4 विच आई हैव कम्प्लीटेड टूडे। बाकी के 3 पार्ट मैं बनाती रहूँगी, डालती रहूँगी एज सुन एज पॉसिबल। आई होप माई वीडियोज़ आर यूजफुल टू यू। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डू कमेंट बिलो माई वीडियोज़। आई लाइक इट टू रीड योर कमेंट्स। Thanks for watching. Take care. Bye-bye.